हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है उत्तराखंड की तरफ से। उत्तराखंड में लेखपाल की वैकेंसीज आई हुई है, तो आइए देखते हैं क्या वो। जो उत्तराखंड यूके पीएससी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी और लेखपाल रिक्रूटमेंट 2022, ये है आपका पोस्ट नेम, ठीक है। जो ये फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो गया है, वो 14 तारीख से स्टार्ट हो गया, 14 अक्टूबर से। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4/11 है, यानी कि 4 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की बात की जाए फीस की, तो 0 फीस है अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। बाद में क्या करा अभी ये नहीं मालूम, लेकिन 0 फीस इसने इन्होंने रखा है, ठीक है। साफ साफ बोला है, नो अप्लीकेशन फी फॉर ऑल द कैंडिडेट, किसी के लिए फीस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात कर ली जाए एज की, तो मिनिमम होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम कितनी 35 होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट टोटल है 563, ठीक, 563 पोस्ट है, ठीक। अच्छा, इसमें अदर स्टेट नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि अदर स्टेट वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मतलब उत्तराखंड के ही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। आइए, अच्छा बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम क्या है और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम है वो रेवेन्यू और रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी, ठीक है, और लेखपाल, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगर पटवारी की बात की जाए तो टोटल 391 पोस्टें हैं, ठीक, पटवारी में, और लेखपाल में 172 पोस्ट हैं, ठीक है। पटवारी में 391 और लेखपाल में 172 पोस्ट हैं। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन इंडिया, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बैचलर डिग्री। पुरुषों की जो हाइट दी गई है वो 168 मीटर दी गई है, ठीक है, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, और बात कर लेते हैं रनिंग में, तो रनिंग में 7 किलोमीटर इन 60 मिनट, एक मतलब एक घंटे में आपको 7 किलोमीटर कवर करना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.5 किलोमीटर कितने मिनट में, 35 मिनट में, ठीक है, ये है फीमेल के लिए, ठीक, और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस क्या होना चाहिए इस अकॉर्डिंग। तो जो सिलेबस है वो देखिए, इसमें मैंने ये लिखा है विषय पाठ्यक्रम क्वेश्चन अंक, ठीक है। अच्छा, तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन एक मार्क, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र होगा, राष्ट्र कह रहे राजनीतिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर में बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बेसिक जिसका वैसे बेसिक दिया गया है, लेकिन आप बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर का होगा, 40 अंक का, 40 क्वेश्चन 40 अंक का, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो होगा उत्तराखंड से विविध जानकारी, क्योंकि उत्तराखंड से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ये हो गया अभी तक का अपडेट्स, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस, इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस उसी अकॉर्डिंग आप इसको भी देख लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा मेंशन। बाकी सामान्य हिंदी के लिए कोई ज़्यादा टफेस नहीं है, आप सामान्य हिंदी के लिए जो आप बुक परचेस करें उसी को आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप जो आप लगा रहे हैं वही लगाइए, ठीक है, कोई नया नहीं है, हाँ प्रैक्टिस जरूर इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको देख के और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पूरा बता दिया गया है, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।